नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीओटी पाठशाला पे आपको कंटिन्यूअस वीडियोज मिल रहे होंगे, बहुत सारे एजुकेशनल अपडेट्स मिल रहे होंगे, ऑफिशियल अनऑफिशियल एनालाइज यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ मिल रहा होगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आप देख रहे होंगे। तो ऐसे में एक कॉमेंट मिला जिसमें ये मैंशन था कि सर BHU के एफिलेटेड कॉलेज के बारे में बताइए, या आप ये बताइए कि BHU में कम मार्क्स में कहाँ एडमिशन मिलता है, क्या BHU का मेन कैंपस नहीं मिलेगा तो हमें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको एक फुल जानकारी मिलने वाली है कि BHU के FMC में एडमिशन ना होने पर आपको BHU के किन एफिलेटेड कॉलेज को चूज करना है और उसकी क्या रैंकिंग है, क्योंकि कई सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, एक इसका इंटीग्रेटेड कॉलेज है और BHU का एक पार्ट भी है। तो ऐसे में बच्चों के पास ये सही इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगा, कैसे चूज करेंगे कि हाँ BHU में एडमिशन FMC में नहीं होता है, तो वो एफिलेटेड कॉलेज की जो रैंकिंग है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वो कैसे अरेंज किया जाए, क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज में भी इस तरीके की रैंकिंग लगाई जाती है कि ये बेस्ट एफिलेटेड कॉलेजेज है, ये सेकेंड बेस्ट कॉलेज है, ये थर्ड बेस्ट कॉलेज है, फोर्थ एंड वन ऑफ द लास्ट, और उसके बाद एक इंटीग्रेटेड कॉलेज है। तो कहीं ना कहीं अब इस वीडियो में हम लोग ये पूरे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि BHU में एफिलेटेड कॉलेज हैं कितने। तो टोटल BHU के 4 एफिलेटेड कॉलेज है, एक इसका इंटीग्रेटेड कॉलेज है और एक इसका पार्ट है। एफिलेटेड कॉलेज 4 कौन कौन से हैं, जिसमें आपका BHU सबसे नज़दीक में पड़ता है AMPG आर महिला PG कॉलेज, जो कि लगभग BHU से 5 से 6 किलोमीटर पे लगभग आपको मिल जाएगा। मतलब जो मेन कैंपस BHU का बड़ा गेट देखते हो, यहाँ से 10 रुपये का ऑटो लोगे, उसके बाद आपको सेकेंड स्टॉप के बाद फिर 10 रुपये का ऑटो लोगे और आप पहुँच जाएंगे आर महिला PG कॉलेज के गेट पे। मतलब 20 रुपये की दूरी पे है आर महिला PG कॉलेज। उसके बाद उसी से, मतलब आर महिला PG से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के डिफरेंस पे आपका पड़ता है कौन सा, दूसरा BHU का एफिलेटेड कॉलेज जो है VKM। ठीक है, VKM के बाद BHU से लगभग 10 से 11 किलोमीटर सबसे ज़्यादा दूरी पे है क्या, VCW, और उसी VCW और VKM के बीच में एक एफिलेटेड कॉलेज है जो कि बनारस में ही है, वो है DAV। टोटल हमारे 4 जो भी एफिलेटेड कॉलेज हैं ये लगभग 10 किलोमीटर के अंदर में ही आते हैं। मतलब BHU का जो बड़ा वाला गेट है उससे 10 किलोमीटर के अंदर में ही चारों कॉलेज आते हैं। अब आता है कि एक इंटीग्रेटेड कॉलेज, जो इंटीग्रेटेड कॉलेज है उसको बोलते हैं MMV महिला महाविद्यालय, जो कि BHU के मेन कैंपस के अंदर ही होता है, और एक इसका पार्ट है वो है RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस, और ये पड़ता है मिर्ज़ापुर में, BHU से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे है ये। जो लोग भी RGSC में एडमिशन लेते हैं उनके लिए रहने का पूरा व्यवस्था RGSC के आसपास या RGSC के अंदर ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो BHU के मेन कैंपस से अप डाउन करेंगे बस के थ्रू। हाँ, बस की सुविधा दी जाती है अगर RGSC से मेन कैंपस घूमने आना चाहते हो या किसी ऑफिशियल काम से आना चाहते हो, तो आपको यहाँ आने के लिए सैटरडे या वीक में कोई बस चलती है 1-2 बार, जिससे आप फ्री में आ सकते हो। कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो, चाहे MMB में पढ़ो, चाहे BHU के 4 एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ो, चाहे RGSC में पढ़ो, आपका जो ऑफिशियल वर्क होता है वो BHU के मेन कैंपस में होता है। चाहे आपका ग्रेड कार्ड होता है, चाहे आपका कोई मार्क्स का इशू है, कोई भी ऑफिशियल जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, वो सब आपके कहाँ सॉर्ट आउट होते हैं, वो होते हैं FMC में, BHU के मेन कैंपस में, जो यहाँ का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है या जो यहाँ का सेंट्रल ऑफिस है वहाँ पे। एक बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग एफिलेटेड में पढ़ेंगे तो क्या हमारी जो डिग्री प्रिंट होती है उस पर एफिलेटेड लिखा होगा, या क्या उस डिग्री की वैल्यू कम काउंट की जाएगी। ऐसा नहीं है, आप BHU में पढ़ो, चाहे BHU के एफिलेटेड कॉलेजेज में पढ़ो, चाहे आप MMB में पढ़ो, चाहे आप RGSC में पढ़ो, आपका जो सर्टिफिकेट वैल्यू FMC की होती है वही वैल्यू बाकी एफिलेटेड कॉलेज की जो भी डिग्री होती है, जो भी सर्टिफिकेट होते हैं सेम होता है। साथ ही साथ आप इन सभी एफिलेटेड कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो FMC में जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट या योगा के कोर्सेज आते हैं उसमें भी आप आके एडमिशन ले सकते हो, कोई भी उसमें रुकावट नहीं है, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिसको आपको रोका जाएगा एडमिशन से। अब अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें तो देखो, महिला महाविद्यालय जो MMB है वो FMC के सटा हुआ है, BHU की उसी बाउंड्री के अंदर ही है, आप लोग कई बार मेरे ब्लॉगिंग में देखे होंगे। तो महिला महाविद्यालय तो भाई जाहिर सी बात है कि FMC के जस्ट बाद आपको चूज करना है। जो भी लड़कियां, ध्यान देना कि इसका नाम है महिला महाविद्यालय, इसमें लड़का नहीं पढ़ता, इसमें बस लड़कियां ही पढ़ती हैं। उसके बाद VKM और AMPG लगभग पैरेलल ही हैं,
इसमें लड़कियां जो हैं दोनों में से कोई भी पहले नंबर पे चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन आपके घर से नज़दीक है। हो सकता है कुछ लोग बनारस के आसपास के रहने वाले हों तो अपने घर के नज़दीक वाला चूज कर लेना, जो दूर दराज के हैं वो लोग देख लो कि VKM AMPG लगभग दोनों सेम है और VKM को पहले पर रख लो और उसके बाद वाला AMPG रख लो, ठीक है, थर्ड पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। BCW को मैं हमेशा लास्ट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि देखो पढ़ाई के मामले में लगभग एफिलेटेड कॉलेज पैरेलल है, लेकिन BCW थोड़ा दूर है, ठीक है, मतलब बहुत दूर है उसको एकदम लास्ट में रख दिए वो लोग, राजघाट के पास, तो रहन सहन आना जाना थोड़ा आउटर टाइप का है, वहाँ से ऐसा नहीं है कि जब चाहे आप 80 आके घूम के टहल के चले गए, ऐसा नहीं है, जब चाहे BHU के मेन कैंपस में आए घूम के टहल के चले गए। इवन इतना ही नहीं, जो मॉल है, शॉपिंग कम्प्लेक्स है, ये सब भी वो कॉलेज बहुत दूर बनाया गया है, तो आप हमेशा नहीं आ सकते हो। वहाँ का जो अकोमोडेशन है, जो रहने का है ना, वो भी थोड़ा हार्ड है। वहाँ बेसिकली जो लोग हॉस्टल देते हैं वो बहुत महंगा देते हैं, साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय खुद प्रोवाइड कराता है, मीन्स कि जो VCW से एफिलेट हॉस्टल्स होंगे वो भी बहुत महंगे हैं। लड़कियों के रिव्यू मैंने लिए हुए हैं, लड़कियाँ संतुष्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं कहती हैं कि हमसे बहुत पैसा लिया जाता है, शायद 70 या 80 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, तो अपने आप में पूरे साल की बहुत ज़्यादा फ़ी है, ठीक है। तो VCW को लास्ट में रखो आप, उसके बाद DAV को आप लोग बीच में रख लो, मतलब यही AMPG VKM के बाद बीच में कहीं DAV, लास्ट में VCW, ये अरेंजमेंट आप रखो। RGSC जो है वो तो जाहिर सी बात है कि भाई आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के पैरेलल ही है, RGSC के लिए कोई रेफरेंस नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है कि आप उसको पहले दूसरे तीसरे पर रखो, क्योंकि RGSC अपने आप में मेन कैंपस की तरह ही पूरा बनाया गया है और जनरली वहाँ पर जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो अपने आप में इंडिविजुअल ऑफर किए जाते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि RGSC में भी BA है, FMC में BA है, बाकी एफिलेटेड कॉलेज में BA है, RGSC में BA है ही नहीं, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि इन एफिलेटेड कॉलेज में ऑफर ही नहीं किए जाएंगे, जैसे MMBA है, तो MMBA में बहुत सारे कोर्सेज रन ही नहीं होते मास्टर्स के, बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं जो MMBA में रन करते हैं एज अ मास्टर्स, UG में तो कुछ रन भी करते हैं, लेकिन PG में हर कोर्स रन नहीं करता है, लेकिन वही एफिलेटेड में जाओ तो रन करता है। जैसे आप LLB ही ले लो, तो LLB का ये हाल है कि LLB आप BHU के बस मेन कैंपस में कर सकते हो, ना ही किसी एफिलेटेड में, ना ही RGSC में। जैसे आप एग्रीकल्चर ले लो तो या तो आपको FMC में मिलेगा या तो आपको RGSC में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको MMBA मिल जाएगा, आपको किसी एफिलेट कॉलेज में मिल जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इन एफिलेटेड कॉलेज में रन ही नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको पता कैसे चलेगा, तो खुद ही जब आप फॉर्म डाल रहे हो ना तो वहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ऑफर किया जाता है कि आप चूज करो कि आपको पहले नंबर पे कौन चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन चाहिए और पांचवें नंबर पे कौन चाहिए, चौथे नंबर पे कौन चाहिए, फलाना ढिमकाना। अब मैं एक बार फिर से रिव्यू दे कंक्लूजन कर रहा हूँ रैंकिंग का। आपको FMC चूज करना है, सेकंड पे MMBA चूज करना है, VKM AMPG में आप कोई भी चूज कर लो, फिर DAV चूज करना है, फिर VCW चूज करना है और इसी के पैरेलल आप RGSC कहीं बीच में डाल लेना, क्योंकि RGSC अपने आप में इंडिविजुअल एक BHU ही है। तो ये रहा पूरा एक कंक्लूजन। ध्यान दीजिएगा कि BHU से बहुत ही ज़्यादा फीस लगती है एफिलेटेड कॉलेजेज में, तो दिमाग में पहले ही रख लो कि अगर आप एफिलेटेड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपके BHU से कम 5-6 गुना ज़्यादा फीस लगने वाला है। कंपेयर करके बता दूं, जैसे किसी कोर्स में BHU के मेन कैंपस में 2,500 पूरे साल की फीस लग रही है, लेकिन आप वही अगर एफिलेटेड में जाते हो तो आपकी रेगुलर फी कम से कम 10,000 हो जाने वाली है, समझ रहे हो, मतलब ये 5 गुना, और वही पेड सीट रहेगा तो 10,000 एक्स्ट्रा। तो एफिलेटेड वाले पैसे खूब लेते हैं आपसे, मतलब ठीक ठाक ले लेंगे बढ़िया सा, और हॉस्टल और खाने पीने के नाम पे तो और पैसे चूसेंगे। हाँ, लेकिन पढ़ाई अगर एक लास्ट में पूछा जाए तो जहाँ तक मैं रिव्यू देना चाहूँगा, एफिलेटेड कॉलेज की पढ़ाई ठीक ठाक है। इवन कुछ कोर्सेज FMC से भी ज़्यादा बेहतर पढ़ाई है, कहाँ पे, आपके एफिलेटेड कॉलेजेज में। भाई इस वीडियो को बहुत सारी UG की लड़कियाँ देख रही होंगी जो कि अभी एफिलेटेड से पढ़ाई करके निकल रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आप अपने पढ़ने वाले एफिलेटेड कॉलेज से कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो। आप रेटिंग करिए कि जिससे कि ये जो वीडियो बाकी लोग देख रहे हैं उस रेटिंग को देख के कंपेयर कर सकें कि हाँ उनके लिए एफिलेटेड ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि ये लड़कियाँ उतना दूर से, बिहार से, झारखंड से, फलाना, बहुत दूर दूर से आके यहाँ पे पढ़ाई करने आ रही हैं, भाई इतना पैसा लगा के पढ़ रही हैं, तो वो कोर्स उनके लिए कितना बेहतर है। प्लीज़ आप लोग रिव्यू दीजिएगा जिससे कि ये बच्चे जो हैं ये मिसगाइड ना हो पाए, इन्हें एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके, क्योंकि भाई मैं तो लड़का था, मैं तो कभी पढ़ा नहीं इनके एफिलेटेड कॉलेजेस में, हाँ, लेकिन मुझे प्रॉपर एक बच्चों के थ्रू एक मैसेज मुझे मिलते रहे हैं, लोगों के थ्रू मुझे पता चलता रहा है कि हाँ एफिलेटेड में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, FMC में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये कोर्स अच्छा है, ये बुरा है। बाकी एक वीडियो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको BHU का पूरा पोल पर्दा खोल के बताता हूँ कि BHU के किस किस कोर्सेज में पढ़ाई होती ही नहीं है, क्योंकि अब तो मैं इस लेवल पर भी हूँ
व्यक्तिगत रूप से मैं सफ़र कर रहा हूँ कुछ चीज़ों से, जबकि मैं उसको अपने चैनल पे नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अगर बुराई बताई तो फिर वो अच्छाइयाँ बताने कौन आएगा जो बीएचयू में सच में है। तो बस एक समस्या से कहीं आप भ्रमित ना हो जाओ, किसी को गलत ना समझ लो, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सच बताई जाए। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप जो बच्चे बीएचयू में भी जस्ट पढ़ के निकल रहे हैं उनके लिए बीएचयू कैसा रहा है, उनका एफिलेटेड कॉलेज कैसा रहा है, उनका कोर्स जिसमें उन्होंने पढ़ाई करी है वो उनके लिए कैसा रहा है। इन तमाम चीज़ों पे आप कमेंट करिए या मुझे आप व्हाट्सअप करके बताइए कि हाँ सर ये चीज़ें हमने फेस की है, जिससे कि मैं जो एक हमारी कमिंग वीडियो है कि बीएचयू के किस कोर्स में पढ़ाई होती है किस में नहीं होती है, तो हम ओपनली टॉक करूँगा, कोई उसमें मिसगाइड नहीं, कोई भी उसमें मैनिपुलेशन नहीं करूंगा, कोई भी मिलावट नहीं करूंगा, जो सच है वही बता दूंगा। तो उस वीडियो का इंतजार करें और मुझे खुद बताएं कि एक्चुअली उन्हें बीएचयू कैसा लगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि ऑफिशियल कटऑफ आना शुरू हो तो आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।